इजाजत दी और डॉक्टर फैसल साहब वो और लीगल टीम जिनमें इंतजार हुसैन पंजोथा, शेर शहीन साहब, बैरिस्टर गौर साहब, अली जाज बुटर साहब और मैं, हम सारे जाकर खान साहब से मिले हैं। खान साहब माशाल्लाह बहुत हाई स्पिरिट में हैं, जबरदस्त अंदाज से उन्होंने जो है हमसे जब मिले हैं खुश हुए हैं और जो बातें हुई हैं वहाँ पर वो थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा। बड़ी अहम बातें हैं। एक तो ये बताऊं जी कि खान साहब ने वाजह तौर पर ये कहा है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तकाम नहीं आएगा तो तब तक ना मुल्क की मैशत ठीक हो सकती है। ये जो बेरोजगारी, गुर्बत या महंगाई इस वक्त मुल्क में हो चुकी है, ये जब तक सियासी इस्तकाम नहीं आएगा तब तक ये नहीं मुमकिन। दूसरा, खान साहब ने ये कहा है कि जब अदालतों के फैसले हवा में उड़ाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जो हैं वो उनको माना नहीं जाएगा, तो कैसे लोग जो हैं बाहर से आएंगे और पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान में आकर कारोबार करेंगे। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो, मुल्क के अंदर जो है वो कानून की बालादस्ती ना हो, कोई अदालतों का एहतराम ना हो। जितनी खबरें मेरे हवाले से चल रही हैं वो सारी फेक हैं। ना मैंने कोई डील की है, ना मैंने कोई किसी से मिन्नत समाजत की है। जो न्यूज़ चल रही है मेरे हवाले से, तमाम न्यूज़ की जो है खान साहब ने तरदीद की है। और खान साहब ने वाजह तौर पर कहा है कि जदादें जिनकी बाहर हों वो मुल्क छोड़ के जाते हैं। मेरी तो कोई ना प्रॉपर्टी बाहर है, ना मेरी कोई वहाँ पर कोई इस तरह के अकाउंट्स हैं कि मैंने बाहर जाना है। मैंने वहाँ पर कहाँ जा कर रहना है और मैंने वहाँ पर क्या करना है? मेरा ये मुल्क है, मेरा जीना मरना जो है वो इस मुल्क के साथ है और मैं इस मुल्क में रहूँगा। उसके बाद किसी तरह से उन्होंने अपने हवाले से ये नहीं कहा कि मुझे जो है इस तरह से मुझे तकलीफ में रखा गया है या मेरी क्लास चेंज करें या मुझे खाने का प्रॉब्लम है या कुछ भी। वो कह रहे हैं कि मुझे इससे अगली डी क्लास में रख दें और मुझे हजार साल भी रहना पड़े तो मैं इस कौम के लिए, इस अपने मुल्क के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हर तरह की तकलीफ, हर तरह का जो जो मेरे हर्डल्स हैं वो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने मकसद से, अपने रास्ते से कभी भी नहीं हटूंगा और मैं ये जंग जो है कौम के लिए लड़ रहा हूं, ये मैं जंग जारी रखूंगा।